हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं पहुंच गई हूँ एक नई जगह पे कुछ नई चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए एंड उसके साथ साथ एक स्पेशल ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए। तो हम लोग पहुंच गए हैं आज एक नए रेस्टोरेंट पे जिसका नाम है हैंगआउट, और वही नरूला स्वीट्स के पूरे ऊपर वाले फ्लोर पे आपको सेम लोकेशन में मिल जाएगा ये। एंड इस प्लेस का नाम है ओम प्लाजा, सौभाग्य नगर, भुवनेश्वर। ये पूरा आपको वही नरूला स्वीट्स के ऊपर ही मिलेगा। एंड यहाँ पे कौन से स्पेशल ओकेजन को हम लोग आज सेलिब्रेट करने आए हैं ये तो आपको पूरा वीडियो देखने पे ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो एंड अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो ये था कुछ अंदर का नज़ारा इस रेस्टोरेंट को। तो ज़्यादा लोग इसको एक्सप्लोर नहीं किए होंगे बिकॉज़ ये बहुत ही नया रेस्टोरेंट है। एंड यहाँ पे बहुत अच्छा सा एक सेल्फी पॉइंट है जहाँ पे हैंगआउट लगा गया है, तो आप लोग जाके यहाँ पे फोटोशूट वगैरह भी कर सकते हो। तो जिस ओकेजन की बात मैं कर रही थी वो फ्रेंडशिप डे था। हम लोग फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे गए थे हैंगआउट रेस्टोरेंट पे। एंड यहाँ पे सारे फ्रेंड्स मेरे बैठे हुए हैं, इन सब के साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी आगे जाके वीडियो में। उससे पहले आप पूरा रेस्टोरेंट का व्यू देख लीजिए। हमने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे अपना फ्रेंडशिप डे को सेलिब्रेट किया, ये तो आपको पूरा वीडियो देखने पे ही पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने सारे छोटे छोटे एंड अच्छे अच्छे मोमेंट को कैप्चर किया है। एंड यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा पेंटिंग्स वगैरह लगाया गया था जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव था। एंड इस रेस्टोरेंट से आप बाहर का नज़ारा बहुत खूबसूरती से इंजॉय कर सकते हो, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है। एंड सबसे अच्छा व्यू ये है, द फ्लाइट इज़ लैंडिंग ओवर हियर, तो आप लोग एयरपोर्ट का भी डायरेक्ट व्यू यहाँ से देख सकते हो। तो काफ़ी अच्छा लगा ये वाला व्यू हमें वहाँ से। एंड चलिए अभी देखते हैं यहाँ का मेनू, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ तो ऑर्डर करना है। तो मेनू में बहुत सारे वैरायटीज़ थे, आप लोग पॉज करके भी देख सकते हो। एंड प्राइस इज़ काफ़ी रिजनेबल था, क्योंकि जैसे रेस्टोरेंट के हिसाब से प्राइस होना चाहिए उसी हिसाब से ही था। तो गाइज, हमने स्टार्टर पहले ऑर्डर कर दिया था, लेकिन उससे पहले हम लोग केक कटिंग करना चाहते थे फ्रेंडशिप डे के लिए। तो जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो लोग केक लेके आ गए हैं, अभी हम लोग केक कटिंग करेंगे, फिर उसके बाद जो स्टार्टर वगैरह ऑर्डर किया है उसको खाएंगे, देन हम लोग मेन कोर्स के लिए ऑर्डर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग देख लीजिए हमारा केक, ये था ब्लूबेरी केक जो हमने मियो अमोरे से लिया था। एंड केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा था। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे भैया ऑलरेडी हमारा स्टार्टर रेडी करके ले आए थे, जो था क्रिस्पी चिली बेबिकन। ये वेज में था, नॉन वेज में हमने चिकन लॉलीपॉप ऑर्डर किया था। तो कोई बात नहीं, पहले हम लोग केक कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्टर खाएंगे। एंड हियर आर माई क्रेजी फ्रेंड्स, मेरे बहुत ही लिमिटेड फ्रेंड्स हैं, लेकिन जितने भी हैं बहुत पक्के वाले फ्रेंडशिप है हमारा। एंड आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स के साथ फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट किया कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा तो फ्रेंडशिप डे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ, जो कि मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों भी अपना मेमोरी मेरे साथ शेयर कर सकते हो। बस लाइफ में यही दोस्तों की ही कमी रहती है, अगर ये भी पूरा हो जाए ना तो सब कुछ पूरा हो जाता है। एंड यहाँ पे बहुत सारे मस्ती कर रहे थे ये लोग। एंड ये था क्रिस्पी चिली बेबिकन जो हमने स्टार्टर में ऑर्डर किया था, इसका टेस्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मुझे बहुत ही ज़्यादा, जिस तरह से होना चाहिए क्रिस्पी बेबिकन उसी तरह से था। एंड केक कटिंग के बाद ये लोग पीसेस दे रहे थे सबको, एंड उन्होंने फ्लावर जो था वो मुझे ही दे दिया था। एंड लुक एट दिस ब्यूटिफुल फ्लावर ओवर द केक। उसके बाद यहाँ पे जो चिकन लॉलीपॉप नॉनवेज स्टार्टर में था वो आ गया है, तो मैं तो नहीं खाऊंगी, मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन बाकी सब खाएंगे तो उनसे हम लोग रिव्यू पूछते हैं। तो नीरज, तुम्हें वेज अच्छा लग रहा है कि नॉनवेज अच्छा लग रहा है? मुझे नॉनवेज। नॉनवेज में क्या है आज हाथ में तुम्हारा? चिकन लॉलीपॉप। तो एक बार बाइट लेके दिखाओ। बहुत टेस्टी है। एंड वेज का रिव्यू कौन देगा?
ये छोटे छोटे मोटा मोटा कॉर्न क्या चिली क्रिस्पी चिली बेबी कॉर्न अच्छा लग रहा है। किसका बेबी? जिसका भी बेबी हो खा लो। कौन का बेबी? तो आप लोगों ने तो सुना रिव्यू क्या है एंड इसके साथ इनका मस्ती भरा बातें जो भी था। और भी 5-6 फ्रेंड्स मेरे ग्रुप में है जो कि उस दिन नहीं आ पाए थे बिकॉज ऑफ देयर बिजी स्केड्यूल, बट हम सब ने उन सबको बहुत ही ज़्यादा मिस किया। एंड इस वीडियो देखने के बाद आप सभी भी अपने अपने फ्रेंड्स को ज़रूर मिस करोगे। अभी तो बस खाना पीना चालू है, सब अपने अपने खाने का मज़ा ले रहे हैं और उसके साथ साथ जो पुराने मेमोरीज थे ना हमारे कॉलेज डेज का उसको याद कर रहे हैं। वो लोग यहाँ पे नहीं, इन सब के लिए ये बचा हुआ ब्लूबेरी का यम्मी सा केक, ये लोग ये सब आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे ही देख के खा सकते हो। एंजॉय फ्रेंडशिप डे। फ्रेंडशिप बैंड से ये सारे फ्रेंडशिप बैंड पंकज लेके आया है सबके लिए, सो थैंक यू पंकज, थैंक यू पंकज फॉर दिस क्यूट सा फ्रेंडशिप बैंड। ये पता नहीं किसको कौन सा वाला जाएगा लेकिन मैंने अपना लिए चूज कर लिया है, ये वाला मैं लूंगी, ये वाला मैं ही लूंगी। तो मेन कोर्स भी हमने ऑर्डर कर दिया था, अभी भैया प्लेट लगा रहे हैं, खाना आ जाएगा थोड़ी देर में ही। बट उसके अंदर मैंने कैमरा घुमाया था इन सबके ऊपर तो उनको लगा था कि मैं फ़ोटो ले रही हूँ लेकिन एक्चुअली ये वीडियो था, तो बाद में सब हंसने लगे थे। तो फिर हमारा मेन कोर्स आ गया है, खाना आ गया है। खाने में हमने मंगवाया था फ्राइड राइस और उसके साथ था चिली मशरूम विथ सेमी ग्रेवी एंड एक चिकन मसाला था एंड एक प्रॉन मसाला था। तो इतने सारा यम्मी फूड देख के अगर आपको मन कर रहा है कि जाके बाहर कहीं पे खाने के लिए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ये वाला वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए एंड उनके साथ हैंग आउट पर आइए अपना लंच और डिनर करने के लिए एंड मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिर चलिए अभी देखते हैं कि किसका टेस्ट कैसा है, लेकिन उससे पहले पंकज यहाँ पे आज सबको हेल्प कर रहा था, लाइक सबको परोस रहा था खाना। एक्चुअली पंकज को ना बहुत ज़्यादा आइडिया है खाने के बारे में क्योंकि उनका खुद का एक रेस्टोरेंट है एंड वो भी खुद बहुत अच्छा खाना बनाता है, तो इसीलिए उसके खाने के ऊपर बहुत ज़्यादा नॉलेज है। हम लोग उसी को ही पूछते हैं कि खाना कैसा टेस्ट है, कैसा हो सकता है, तो ये आज परोस रहा था सबको। तो आप लोग भी बताना कि आपके फ्रेंड्स ग्रुप में कौन ऐसे खाने के बारे में किसको ज़्यादा नॉलेज है एंड कौन खाना अच्छा बनाता है। तो तब तक के लिए हम लोग अभी खाना परोस के खाते हैं, फिर बातें करते हैं आपसे उसके साथ साथ। तो उसके साथ फ्राइड राइस के साथ फिर उसने दिया है अभी जो हमने मंगवाया था चिली मशरूम। बहुत ही ज़्यादा यम्मी दिख रहा है एंड सच में बहुत ज़्यादा यम्मी भी था, आपको आगे जाके वीडियो में पता चल जाएगा कि किसका टेस्ट कैसा था। लेकिन फ्राइड राइस एंड जो चिली मशरूम था उसका मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा टेस्ट, मुझे मशरूम का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा, जो जितना क्रिस्पीनेस होना चाहिए मशरूम का उतना था, काफ़ी अच्छा लगा। एंड ये था चिकन मसाला, तो ये प्लेटर देख के आप सबके मुंह में पानी आ ही गया होगा। देरी मत कीजिए, जल्दी से आइए हैंग आउट में। और अभी जो ये दे रहा है ये है प्रॉन मसाला एंड सबका प्राइस जो है ये आप मेनू में जाके चेक कर सकते हो क्योंकि सबका प्राइस मुझे याद नहीं है, वैसे तो मैंने मेनू पूरा दिखाया है, आप लोग वहाँ पे चेक कर लोगे। तो अभी सबका प्लेट पूरा भरा भरा है। उसके साथ साथ यहाँ पे ऑर्डर किया था हमने नान, बटर नान था। अभी चलिए हम लोग पूछते हैं कि खाना का टेस्ट कैसा है। प्रॉन का कैसा है टेस्ट? उनका टेस्ट अच्छा है, ये जो मसाला है थोड़ा लाइट है, ठीक ठाक है। और चिकन, चिकन का बता दो। चिकन मसाला अच्छा है, जो चिकन का पीस देखते हैं हम। कौन का बोलेंगे ना? अच्छा से मुझे बात अच्छा लग रहा है, बॉईल है, ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक है। पंकज क्या अच्छा लगा तुम्हें?
प्रॉन एंड चिकन के बीच में कौन सा वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है? प्रॉन से थोड़ा खा लो, उसके बाद अगर चिकन की बात की जाए तो 10 में से 6 देना चाहूँगा, प्रॉन को 10 में से 8 देना चाहूँगा, और ठीक है अच्छा है। मशरूम मंचूरियन चिली मशरूम लाइट ही टेस्ट में, तो इसको मैं देना चाहूँगा 10 में से 7। ये सबसे पुराना है, अच्छा है। ये है पंकज, ये है पन्ना एंड ही इज निरोध। निरोध को क्या अच्छा लगता है पूछ रहे? प्रॉन अच्छा लगा। प्रॉन कम खाना होता है लेकिन उसके प्लेट में जैसा कुछ आपको दिख ही रहा है लेकिन वो खाएगी बहुत ही ज्यादा कम। उसको कुछ पूछना ना पूछना कुछ बराबर की बात है, कुछ फायदा नहीं है पूछ के। एंड ये था मेरा प्लेट जो कि पूरा वेजिटेरियन था। मैं फ्राइड राइस के साथ ओनली मशरूम ही खा रही थी एंड मैंने बता दिया कि मुझे टेस्ट कैसा लगा। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा था मशरूम एंड फ्राइड राइस का टेस्ट। और ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, आप सबको पता है कि मुझे फ्राइड राइस के साथ कुछ ग्रेवी आइटम खाना कितना अच्छा लगता है। एंड अभी ऑलमोस्ट सबका प्लेट फिनिश होने वाला है, आप देख सकते हो। They were really enjoyed their food a lot. और अगर फ्रेंड्स के साथ बैठ के खाना खाते हो तो वही खुद में एक एंजॉयमेंट है। ये सबसे अच्छा डिश लगा। प्रॉनिज जो पराठे है उसका क्रिस्पीनेस अच्छा है और राइस भी डिसेंट है और थोड़ा लाइट है। जो चिल्ली का जो आइटम है वो थोड़ा लाइट है। मशरूम मुझे भी अच्छा लगा, तो फिश हो गया, बच्चे भी खा सकते हैं। सबका प्लेट अभी खिचड़ी बन गया है खाने के बाद। ये इंडियन प्लेटर है, यू कैन सी इंडियन प्लेटर इस तरह का ही होता है। ये दोनों अपने सांसारिक मोह माया में घुसी है। तो गाइस और एक बात मैं बता दूं, हम लोगों का जो फ्रेंडशिप है ना ये पूरा 12 साल से है, 12 साल पुराना फ्रेंडशिप है। अभी तक हम लोग फ्रेंड्स हैं और बहुत ही क्लोज फ्रेंडशिप है हम सबका, तभी जाके आज तक हमारा गेट टुगेदर हो पा रहा है। एंड अगर फ्रेंडशिप हो तो ऐसे ही होना चाहिए। एंड बस छोटे छोटे मोमेंट को कैप्चर करने का मज़ा ही कुछ अलग होता है, बाद में आप लोग देख के उसका मेमोरी को ताज़ा कर पाओगे। एंड खाना खाने के बाद हमने यहाँ पे मंगवाया था बहुत सारे फ्लेवर के ड्रिंक्स, और ये जो पहला वाला है येलो कलर का ये पाइनएप्पल फ्लेवर का था। एंड उसके बाद हमने ब्लू लैगून भी मंगवाया था। एंड ये जो रेड वाला दिख रहा है ना ये काला खट्टा का ही फ्लेवर है। एंड उसके बाद ये ब्लू कलर का जो है वो ब्लू लैगून है। तो ये ड्रिंक्स का प्राइस मुझे याद है, ये पर ग्लास का 80 रुपीज़ था, बाकी तो आपको मेनू में जाके देखने से पता चल जाएगा। एंड मैंने बिल भी दिखाया है आगे जाके, उससे भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमें कितना प्राइस किसका आया था। लेकिन ड्रिंक्स काफ़ी अच्छा था सब कुछ। तो आप लोगों को कौन सा वाला फ्लेवर पसंद है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपने अपना फ्रेंडशिप डे कैसे सेलिब्रेट किया मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये मुझे ज़रूर बताना। और मेरे वीडियो देख के किसको किसी के फ्रेंड का याद आया कि नहीं ये भी मुझे बताना। तो अभी सब ने अपना अपना ड्रिंक ले लिया है। इट्स नाउ टाइम फॉर चीयर्स टू ईच अदर। कोकम टोटली न्यू फॉर मी एंड इट्स जस्ट लाइक स्लाइट खट्टा सा लग रहा है, लाइक काला खट्टा यस। पाइनएप्पल पाइनएप्पल अच्छा है।
थोड़ा सा मिंट सा फ्लेवर आ रहा है और लेमन का भी आ रहा है, तो जनरली रिफ्रेशिंग है, अच्छा है। एंड ये था मेरा ड्रिंक, मुझे तो ब्लू लगून बहुत अच्छा लगा। और ये था बिल, 1953 टोटल बिल आया विथ GST। तो उसके बाद हमने अपने अपने हाथों में फ्रेंडशिप बैंड बांध लिया जो पंकज लेके आया था। मैंने अपना फेवरेट वाला बैंड जो है वो ले लिया था, बाकी सबका बैंड आपको दिख ही रहा है। तो यही मज़ा होता है यार फ्रेंड्स का होने का, लाइफ में यही एक फ़ायदा होता है। कुछ टेंशन वगैरह हो तो जाके फ्रेंड को ही बता दो, या फिर कुछ खुशी का मौका हो तो उन्हीं को ही बताना होता है। बस फ्रेंड्स अच्छे होने चाहिए। बस इसके बाद हमने थोड़ा बहुत कुछ फ़ोटो वोटो खींचा। एंड आप लोग भी आइए हैंग आउट रेस्टोरेंट में, नया रेस्टोरेंट है, बहुत काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है। तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आइए और यहाँ पे खाना एंजॉय कीजिए एंड मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए। फ्रेंड्स से बैंड बांधने के बाद ये मैंडेटोरी पिक्चर होता है जो हमें खींचना होता है। तो गाइस प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड बहुत सारा प्यार दीजिए और सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड टिल देन। हैप्पी फ्रेंडशिप डे।